उठाओ इसे, उठाओ इसे, जर कुदाए, जर कुदाए। तुम्हें अपना समझा मैंने, कितनी जंगें एक साथ लड़ी हमने, तुम्हारी वजह से कितने सिपाहियों की जान गई जानते हो? कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो तुम? सौदा कर लिया समीर का, तुमने सबको बेच दिया। और कबूतर के जरिए खबरें भेज रहे थे तुम जिससे, उसके साथ ही तुम्हें इस शहर की फसीलों से लटका दिया जाएगा, समझे? मैंने आपको धोखा नहीं दिया। बस तुम्हें सरदार बनाया, ताकत दी तुम्हें मैंने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? हमेशा कहा मैंने कि चैरकुताए हरगिज सोने की खातर नहीं बिकेगा, चैरकुताए कभी सौदा नहीं करेगा अपने जमीर का। कैसे किया तुमने, किसके कहने पे किया? क्या इन्होंने तुम्हें धमकी दी थी? तुम्हारे खानदान की धमकी दी थी क्या? जब पहली बार मिला था, काश कि उसी वक्त जान से तुम्हें मार देता। मैं देख रहा हूं कैद से रिहा होकर बहुत ज्यादा बदल गए, मुझसे गलती हुई तुम्हें पहचानने में। ले जाओ इसे जंदान में। जब तक ये मुंह न खोले, इस पर कोड़े बरसाते रहना, कल इसको सबके सामने सजा देंगे। अगर सच ना उगला तो इसके जिस्म के एक एक हिस्से पर जर्ब मैं खुद लगाऊंगा। जाओ ले जाओ। जो हुक्म जनाब। चलो। चैरकुताए हरगिज मुंह न खोल नहीं पाए, अगर इसने मुंह खोल दिया तो सब कुछ खतरे में होगा, हमारी जाने भी। आसमान पागल हो गया है। क्या करना चाहिए हमें? गारासी और जानदार साहब को खुफिया तौर पर खबर भेजो, मेहमत अपने सिपाही लेकर आए, यानी शहर का मुहासरा करें। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम आग से खेल रहे हो शहजादे ओरहान, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। यहां से जिंदा नहीं निकल सकते तुम। ओलिविया को छोड़ दो। ओरहान, तुम ये क्या कर रहे हो? बता दूंगा तुम्हें, सब कुछ बता दूंगा। होलोफेरा, बात सुनो। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने तुम्हारे एक सिपाही का भी खून नहीं बहाया, क्योंकि यहां मैं दुश्मनी के लिए नहीं आया। मकसद तुम लोगों से बात करना है। चुपके से मेरे महल में घुस के और मेरी जासूसी करके तुम मेरी बात सुनोगे अब, और उसे मानोगे भी तेकफुर। क्या तुम शहजादी मारिया को हासिल नहीं करना चाहते? हाँ,
मुझ पर भरोसा कर सकते हो तुम लोग। और तुम ये कैसे करोगे? उस्मान के ना चाहते हुए हम तुम पे भरोसा कैसे करें? उस्मान साहब के तकब्बुर ने यनी शहर को तबाह कर दिया है। मजीद ये कि अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बजाय मुझसे मेरी सरदारी और मेरे कले भी छीन लिए। उस्मान सरदार ने मुझसे मेरे बाबा भी छीन लिए। औरान, शहजादी मारिया ने मुसीबतों के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है हमें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा और अपने लोगों की हिफाजत यकीनी बनाऊंगा। और उसके लिए मेरे बाबा अगर मुझे कत्ल भी कर देंगे ना, वो भी कबूल होगा। फैसला आपने करना है। शहजादी ओरहान, कल तुम शहजादी को सिपाहियों के साथ मेरे पास लाओगे। हरगिज मायूस नहीं करूंगा आपको तेगफुर। हम दोनों को वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। फातिमा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ? अगर भाई ने हम दोनों को देख लिया। मैंने खवातीन से कह दिया है, अगर वो आएगा तो हमें बता देंगी। पहले गाजी से मुलाकात कर लो। अच्छा किया तुमने। गाजी सिपाही? गोंजा खातून, गोंजा खातून, गोंजा खातून, ये मुझे बावर्ची खाने से नहीं निकलने देते और मेरी वालदा भी गुस्सा करती है जब आपसे मिलने का कहता हूँ तो। जरा सुनो इसकी बातें। अच्छा मेरी तरफ देखो, तुम बड़े लग रहे हो मुझे। क्या वाकई में? क्या मैं बड़ा हो गया? आप शादी की उम्र को पहुंच चुकी है गोंजा खातून। लेकिन ओ गाजी, तो तुम भी यहाँ हो। आप यहाँ क्यों आए हैं शहजादे? आप हमारे दरमियान नहीं आ सकते। पहले मैंने देखा था इन्हें और मुझे इनसे मोहब्बत है। नहीं, तुम गलत हो गाजी। पहले मैंने देखा और मुझे मोहब्बत हो गई। क्या ये सच है? सच यही है, क्या करें? इन्होंने पहले देखा। तो फिर ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या करूं? हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोंजा खातून को शहजादे से मोहब्बत नहीं हो सकती।
क्या वाकई ऐसा है? हाँ ऐसा है। गाजी चलो यहाँ से, जल्दी करो, चलो मेरे साथ। गौंजा खातून, आप इनसे मोहब्बत नहीं कर सकती। चलो गाजी, कभी भी नहीं। जल्दी करो, बातें तो सुनो इसकी। अलाउद्दीन, मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे मालूम नहीं गुंजा, तुम कैसी हो, तुम्हारा जख्म कैसा है? यकीन करो ठीक हूं मैं, मगर मुझे डर था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। परेशान ना हो, लेकिन वादा करो मुझसे, तुम कभी ऐसा नहीं करोगी जो तुमने आज किया। तुम अपनी जान को मेरे लिए खतरे में नहीं डालोगी गुंजा। नामुमकिन, जानते हो मैं ये नहीं कर सकती अलाउद्दीन। मुझ पर बहुत एहसानात हैं तुम्हारे। गुंजा, मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं है। तुम्हारी जान अब मेरी जान बन गई है, इसलिए अब तुम्हें अपनी जान का मेरे लिए ख्याल रखना होगा गुंजा। चालबाज खातून। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ शहजादे? आ जाइए। शहजादे, उस्मान साहब इंतजार कर रहे हैं आपका। जी मैं आ रहा हूं। मुझे जाना होगा। ठीक है। हम अलाउद्दीन को उसके बारे में कैसे बताएंगे उस्मान? दुरुस्त कह रही हो बाला, दुरुस्त कह रही हो, मगर उसे बताना ही होगा। मजबूत आसाब का मालिक है वो, बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। आसानी हुई कब है हमारे लिए? क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। बाबा, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जी कहें, क्या हुआ बाबा? जैरकुतई गद्दार कैसे हो सकता है? हमें कुछ और बात करनी है तुमसे, जैरकुतई के मसले के अलावा। बेटे, बात याकूब साहब और गौंजा की है। गुंजा, हम काराज लसुन से मिलने सिराय की तरफ जा रहे हैं। गुंजा ही ने बताया। उसकी दिलचस्पी तुम में उसकी वालिदा के कहने पर थी। बेटा, मैं ये जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम बर्दाश्त करोगे। क्या ये सब एक खेल है? क्या कोई इस खेल में अपनी जान दे सकता है बाबा? अलाउद्दीन, मसाला सिर्फ गुंजा ही का नहीं है। मेरे बेटे, याकूब साहब हर मौके पर हम लोगों की घात में हैं।
और इसीलिए हम नहीं जानते किस पर भरोसा किया जाए। मोहतात रहना होगा। हम मोहतात रहेंगे बाबा, आप फिक्र मत करें। क्या मैं अंदर आ सकती हूं सरदार? आ जाओ। मैंने गाजी को भेज दिया है जैसे आपने हुक्म दिया था। अपने बाप को इस हाल में ना देखे तो अच्छा है। हमें बर्दाश्त करना होगा। आलगन खातून, पुरसकून हो जाए, ये वक्त भी गुजर जाए। बाबा, जहर को ताई को मारना होगा। नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा जो पहले ही तलवार के आगे सर झुका चुका है। कोई फायदा नहीं। अपने पालने वाले के साथ अगर कोई गद्दारी करे तो इसकी सजा सिर्फ मौत है।
ये जाहिर हो जाएगा कि तुमने किसके लिए काम किया और क्या क्या किया। मगर अफसोस कि तुम ये सब देख नहीं पाओगे। सरदार, सरदार, जासूसों ने खबर दी है कि गोरकुलुहान कहां है। गोरकुलुहान के सिपाही याकूब सरदार से मिलने सरहदी बाजार जाएंगे और ये हम मालूम कर लेंगे। वो याकूब सरदार से मिला और फिर जानी शहर पर हमला किया। आलगन, क्या तुम ठीक हो? जहर को ताए, अब इन्हें बता दे। ऐसा क्या है? जनाब, मैंने एक गलती की है। याकूब साहब, उन्होंने मुझे आपकी जासूसी के लिए मजबूर किया। क्या? लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो आपके लिए मुश्किल खड़ी करे, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। मैंने सिर्फ उन्हें यही जाहिर किया कि मैं यहां रहकर उनके लिए काम कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। अगर ये मेरी जात के लिए होता तो मैं अपनी जान दे देता, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर किया। उन्होंने मेरी बीवी और बेटे को धमकी दी। मेरी जान ले लीजिए सरदार, लेकिन मेरी बीवी और बेटी की हिफाजत कीजिएगा, जैसे आप करते रहे हैं। तो बताए क्यों नहीं शहर को? ताए पहले क्यों नहीं बताया? वो बहुत बुरे लोग हैं। वो अपनी बेटी को भी नहीं बख्शते, उसे भी इस्तेमाल करते हैं। क्या कह रही हो आलगन? उन्होंने मुझे भी धमकी दी कि मैं आपको ना बताऊं। गोंजा ने अपने बाबा और वालिदा को कहते सुना और मैंने आपके घर की जासूसी की। आलगन, तुमने शुरू में ही हमें क्यों नहीं बताया? इतना वक्त क्यों लिया बताने में? गाजी की जान लेने की धमकी दी सादत ने बाला खातून। खामोशी के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सरदार,
मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, चाहे वो मुझे मार डाले। आप जानते हैं कि मैं आपका वफादार हूं, लेकिन मेरी बीवी और बच्चे की जान खतरे में थी सरदार। बीवी और बच्चे की खातिर ऐसा किया। इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। जनाब आगे क्या करना चाहिए? अब जरकुता है और याकूब की धोखादही को आश्कार करें। औरहान, गुरकुलोहान की तरफ जाओगे, घोड़ा लाओ मेरा, जल्दी लाओ। बांधो से यहीं पर, मेरे वापस आने तक ये यहीं रुकेगा। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं ये सरदारी और ये रियासत किसी ऐसे शख्स के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। उम्मीद है आप अपना वादा पूरा करेंगे शहजादे ओरहान। ये वादा अपने लोगों के लिए किया है, आपके लिए नहीं किया मैंने ये वादा। शहजादी को हवाले करने में हमारा भी फायदा है, फिक्र ना कीजिए। जो कुछ हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूं औरहान। आपके और आपके बाबा के दरमियान कुछ नहीं हुआ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस हंसती रहा करो। हां क्या मालूम है तुम्हें, मैंने हर चीज को खतरे में डाल दिया था। भागने वाली थी मैं, तुम्हारे पास आने वाली थी, मगर मैं यहां आ गया। आ गए और हाँ कहो, चाहे तुम सरदार रहो या नहीं, चाहे मुल्क को जायदाद हो या नहीं, मेरा ये दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा।
ये बात कभी नहीं भूलना, समझ गए? मेरा भी, मेरा दिल भी हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी नहीं बदलेंगे। होलो फेरा, शहजादा और हान जरा जल्दी में है। सलामत रहो।